पवई नगर की इकलौते महाराजा छत्रसाल खेल मैदान में बारिश का पानी भर जाता था, जिसके समतलीकरण के लिए लगातार खेल प्रेमियों ने जनप्रतिनिधियों नगर परिषद अध्यक्ष से मांग कर रहे थे। यहां क्रिकेट टूर्नामेंट का सफलता आयोजन किया जा सके, इसके लिए खेल प्रेमी अपने स्तर पर कार्य कर रहे हैं। रविवार को नगर परिषद अध्यक्ष और थाना प्रभारी सुधीर कुमार बेगी खेल मैदान पहुंचे, जहाँ जन भागीदारी की सहायता से मैदान से समतलीकरण का कार्य कराया जाएगा। नगर परिषद अध्यक्ष बसंत दहयात ने कहा कि यह पवई का इकलौता मैदान है, जहां पर विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक राजनीतिक कार्यक्रम संपन्न होते हैं। जो आज यहां पर जो छत्रसाल स्टेडियम है, और बच्चों की बहुत दिन से मांग थी, बीच में पानी भरता था ग्राउंड में, तो ग्राउंड में बच्चे खेल नहीं पाते थे और हर वर्ष ग्राउंड खराब हो जाता था, तो इस वजह से पूरे ग्राउंड को एक बार पुनः उसको जेसीबी के द्वारा खोदा गया, और खोद करके उसमें सही ढंग से मिट्टी फिलिंग करके पूरे ग्राउंड का समतलीकरण किया जा रहा है। और आने वाले हमारे 26 जनवरी का भी गणतंत्र दिवस है उस दृष्टि से, और इस बार ये पवई में सभी नगरवासियों की ओर से, और अधीक्षक महोदय पन्ना श्री साइंकिस्ट छोटा जी, और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्रीमती आरती सिंह, और एसडीओपी पवई जो श्री सौरभ रत्नाकर के मान निर्देशन में, यहाँ मैं खिलाड़ियों के पास आया था खेल भावना की जागृत करने के लिए। तो यहाँ के खिलाड़ियों ने मांग की थी कि ये जो प्ले ग्राउंड है, जो स्टेडियम है, ये बहुत झीण हालत में है, खेलने योग्य नहीं है। तब मेरे द्वारा जनभागीदारी से इसको सही कराने का निर्णय लिया था, तो मैंने अपील की थी कि सभी ग्रामवासी इसमें शामिल हुए हैं, और एक जन सहयोग के माध्यम से एक बहुत खूबसूरत ग्राउंड बनाया जा रहा है, जिसमें अभी देख रहे हैं पूरी मिट्टी की पुलिंग कर दी गई है, और ये ग्रेडर जो चल रहा है, इस ग्रेडर के माध्यम से पूरा ग्राउंड लेवल हो रहा है, इसके बाद में इस पर रोलर चलेगा और एक खूबसूरत ग्राउंड बनेगा, जिसमें हम सभी लोग अच्छे से खेल सकें।